हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर रिएक्शन वीडियो। तो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा गाइस कि पाकिस्तान वर्सेस यूएसए में पाकिस्तान ने गाइस मतलब हार का सामना हो गया है। तो गाइस, लेट्स सी पाकिस्तान मीडिया, उमर भाई क्या बोलते हैं गाइस। चलो गाइस, अब जो पाकिस्तान को अगर जाना है टॉप एट में, तो उनको इंडिया को हराना पड़ेगा, ठीक है, आयरलैंड को हराना पड़ेगा, कनाडा को हराना पड़ेगा, तीनों को हराना पड़ेगा, तब जाके 0.6 आएगा। अब देखते हैं भाई, तीन मैच जितना कंपलसरी ज़रूरी है एक मैच के कारण। अभी इंडिया को अगर नहीं हरा पाए तो भाई बाहर, क्योंकि 2 पॉइंट पहले से उनका है। अगर इंडिया को नहीं हारे तो उनका नेट रन रेट गिर जाएगा, नेट रन रेट गिर जाएगा तो उनको चांस मिल जाएगा भाई, मतलब यूएसए को। तो यूएसए का पहले से 4 है, तो उनको एक मैच जीतना है बस, यूएसए को एक मैच जीतना है, वो भी आयरलैंड के साथ बस। फिर वो यार मैं क्या करूं, अब क्या बात करूं, मैं मेरा मेरा दिमाग फट रहा है यार, मैं दिमाग फट रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं डंडा दे दूं अंदर, मेरा दिल कर रहा है मैं अंदर डंडा दे दूं, मेरा दिल कर रहा है मैं डंडा दे दूं। मेरे घंटे के अंदर किधर गया मेरा बोब्जी, मेरा बोब्जी किधर गया, बोलो ना इसको कहिए घंटे का किंग है, फजूल तरीन कप्तानी की है इसने, तेरे पास दुनिया का नंबर वन बॉलिंग अटैक है, मेरे छनकने भाई यार चार जा तू आगे। देखो भाई, ये जो देखो 6 बॉल में कितना रन चाहिए था, 6 बॉल में 15 रन चाहिए था, ठीक है। तो गाइस, एक बीच में बताया आपको, एक क्वेश्चन आया था किस पॉडकास्ट में, पूछा था कि अगर आपके पास 1 ओवर है और 10 रन है, ठीक है, बाबर आजम को पूछा था, और उन्होंने बोला था कि भाई मैं बुमराह वर्सेस नसीम शाह का क्वेश्चन था कि भाई अगर आपके पास 1 ओवर है, 10 रन डिफेंड करना है, तो आप किसको ओवर दोगे, बुमराह को या नसीम शाह को, ठीक है। तो बाबर ने बोला था कि भाई बोला था कि नसीम शाह, तो भाई नसीम शाह को दे देते थे भाई ओवर, क्यों नहीं दिया नसीम शाह को, अमीर इज़ अ एक्सपीरियंस, ठीक है, अमीर इज़ अ एक्सपीरियंस, पर लेकिन क्या हो जाता भाई जब इतने साल के कम बैक कर रहे, 4-5 साल के बाद, तो भाई वो नर्वस रहता ही यार, जब तक कांस्टेंट नहीं खेलोगे ना कोई भी चीज़ में, कांस्टेंट ज़रूरी है, हमेशा खेलना ज़रूरी है, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। अभी वो कम बैक कर रहा है तो भाई वो भी नर्वस हो गया वो टाइम पे। और गाइस देखो, डिफेंड करने के लिए 15 रन था, 15 रन, 6 बॉल 15 रन, फिर भी डिफेंड नहीं कर पाया भाई। हरीश राव भाई नंबर वन बॉलर T20 का, सिर्फ 3 ओवर ही डाल पाता है भाई, उसके ऊपर डाल ही नहीं पाता है। तेरे पास दुनिया का नंबर वन बॉलिंग अटैक है, 4 फास्ट बॉलर ये लेके उतरा था, शहीन, नसीम, टेपिया, आमर, हमारे पास, हम नंबर वन को पकड़ के बजा दिया उन्होंने। यार हम यूएसए से हार गए, और हम मजाक पता है किसका कल उड़ा रहे थे, इंडिया ने जी मैच फिक्स किया हुआ है, इंडिया तो फिक्स करके खेलता है। उतर, मैंने पहले बोला था जो जो मुझे देखता है मेरी वो से अग्री करा हो करता होगा, मैं हमेशा सच बोलता हूँ,
मैं कड़वा लगता हूँ सबको, पर मैं सच बोलता हूँ। मैंने आपको बोला था हम सुपर एट में नहीं जाएंगे, हम सुपर एट में नहीं जाएंगे, हम इंडिया से हारेंगे, हमारा एक अपसेट होगा, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। मैंने बोला था बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान फिर जलील होगा। मेरी बातें कड़वी लगती हैं लेकिन मैं सच बोलता हूँ। मेरा दिमाग फट रहा है इस टाइम, आंखें मेरी रेड हो रही हैं, खून आ रहा है मेरी आंखों में, मैं मोड़ दूंगा पकड़ के कोई। यार हम जलील हो गए हैं यार, क्या करूं अब मैं। हम शहीन के बच्चे, तू बड़ा कर रहा था, इगल 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 पीछे ले ले, विकेट क्यों नहीं ले रहा तू आज। अमर तेरी बकवास करता है तू बैठ के टीवी पे, क्या क्या बॉलिंग किया तूने आज। बैट पहले उन्होंने हमारी बैटिंग में मारी है, पूरा डोमिनेट किया, जिस तरह का इंडिया ने आयरलैंड पे डोमिनेट किया ना, यूएसए पाकिस्तान पे डोमिनेट करके गया, यूएसए पाकिस्तान पे डोमिनेट करके गया, यूएसए ने पकड़ के पेल दिया पाकिस्तान को। पहले उन्होंने हमारे हमारे बैट्समैनों की मारी है, फिर उन्होंने हमारे बॉलर्स की मारी है, फिर उन्होंने हमारी भी मार ली है यार। हम यूएसए से, ओ भाई बात वही ना, अमेरिका वर्सेस पाकिस्तान, आगे नहीं बोलूंगा मैं, फुल स्टॉप है मेरा इधर, पता चल गया कौन जीत गया कौन हार गया। हमारी उकातें ये हैं, बॉब्जी को कप्तान बनाओ, बॉब्जी दी किंग, मेरे छनकने का किंग, मेरे घंटे का किंग, क्योंकि हम नहीं सीखते अपनी गलतियों से भाई। बॉब्जी भाई, बॉब्जी ठीक है, बॉबी या बॉस्बी कुछ भी बोलो भाई, 22 बॉल 7 रन भाई, टेस्ट मैच खेल रहा है T20 में भाई, इतना प्रेशर आ गया भाई को क्या, कि भाई रन ही नहीं बना रहा है, थोड़ा 20 रन और बना देता तो भाई जीत जाते थे यार। बकवास करता रहता हूँ, बाबर कप्तान नहीं है, बाबर कप्तान नहीं है, बाबर कप्तान नहीं है, हमारी टीम सबसे फारग है, हमारी टीम सबसे कब फारग है। जब इन्होंने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया था, मैंने तब बोल दिया था ये फारग टीम है, ये फारग टीम है। इन्होंने बोला नहीं ये बेहतरीन टीम है, बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। अरे हापू की दुनिया से बाहर निकल आओ, रियलिटी एक्सेप्ट करना सीखा करो, हमें आज यूएसए ने फेल दिया, पाकिस्तान आज यूएसए से हार गया, पाकिस्तान को आज यूएसए ने मार दिया पकड़ के, यूएसए पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा पड़ के गया आज। सही बात, उनके पास इंडिया के लड़के थे, यूएसए के पास उन इंडियन लड़कों ने पकड़ के बॉब्जी दी किंग का घंटा बजा दिया पकड़ के, उत्तर उसने पकड़ के छनकना छनकना भी बजा दिया, मेरे बॉब्जी का छनकना भी बजा दिया उन्होंने पकड़ के। अब मेरे बाबर के पीछे से ये वाली बातें आ रही हैं, मुझे यकीन करो, मुझे नहीं यकीन हो रहा, मेरा मेरा दिमाग नहीं मेरा साथ दे रहा, हम यूएसए से हार गए हैं। आराम से, कोई नहीं उमर भाई, उमर भाई कोई नहीं, उमर भाई कोई नहीं, आपको तो आपका हकीकत पता है भाई, कौन जीतने वाला था ठीक है, आपको तो पता है भाई, पूरा पर्ची लेके आए भाई पाकिस्तान टीम, तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है यार, आप इतना हाइपर मत हो, अपना हेल्थ इंपॉर्टेंट रखो ठीक है, हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी दो देन टीम पाकिस्तान ठीक है, टेंशन मत लो यार इतना। मैच तुम्हारा इंडिया के साथ है, और देखो गाइस नेक्स्ट मैच है इंडिया के साथ ठीक है, अगर इंडिया के साथ अगर वन साइड हार गए तो पाकिस्तान टीम उधर ही बाहर, बिकॉज नेट रन रेट पूरा गिर जाएगा, और बात आएगा नेट रन रेट पे, अगर पता नहीं पास उस दिन बारिश हो जाए वरना बहुत जलील हो जाएंगे, और क्योंकि यूएसए ने तो फेल दिया, यूएसए ने तो हमें बर्बाद कर दिया, इंडिया से तो हमने पहले ही हारना था, ये तो हमें पहले ही पता था। गया पाकिस्तान, गया खत्म, छोड़ो। तो गाइस अब देखो गाइस कल मैच है इंडिया पाकिस्तान गाइस ठीक है, तो गाइस कुछ भी हो सकता है, बिकॉज पिच थोड़ा ऊपर नीचे है भाई, कुछ बोल नहीं सकते, पिच इज नॉट अप टू मार्क जो स्टैंडर्ड चाहिए, क्योंकि बॉल कभी भी ऊपर कभी बाउंस कभी नीचे कभी किधर भी लग रहा है, तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर टॉस जीता तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगा ठीक है, टॉस जीत के अगर बॉलिंग जो भी लिया तो लेट्स सी गाइस कौन जीतता है कौन हारता है, कल पता चल जाएगा। एंड गाइस आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गया रहेगा, एंड ऑल द बेस्ट जो लोग जो टीम खेल रहे ग्रुप ए में जो इंडिया के साथ है, ऑल द बेस्ट ठीक है, सब लोग मिलके भाई पाकिस्तान को पेलो बिंदास, and thank you so much for watching guys, stay blessed and stay happy guys.